बुलेटिन में बात होगी। मुज़ाकरात के रास्ते बंद, शीन पर मीम भारी। ईवीएम आवे ही आवे, शहबाज का डील का पैगाम। और अगली हुकूमत किसकी? बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, हालात बहुत बदल गए हैं, बहुत जल्द आपको हर चीज बदलती हुई नजर आएगी। मुफाहमत तो दूर की बात है, इन लोगों से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को तबाही और बर्बादी करार दे दिया। उन्होंने अपनी जमात को मशवरा दिया कि इस वक्त हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हुकूमत के इलेक्शन में धांधली के मंसूबों को रोका जाए। इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है और इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। मेरे ख्याल है कारकर्दगी का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा या कुछ अच्छा, इसको तो कारकर्दगी कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी नाअहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी नालायक गवर्नमेंट आई है और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है। उनका पूरा इन्हिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अपराध से उनको खतरा है तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीका कार रह गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है, इंशाल्लाह ताला मियां साहब जरूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। चाचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मफाहमत की बातें करती है। मरियम सफदर इल्तवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ भगोड़े बनकर बाहर बैठे हैं। एवनफील्ड मोहल्लात की बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर ही हैं। ये वही केस है जिसमें कतरी खत लाकर मजाक बनवाया गया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मरियम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, सियासत को शरीफ खानदान ने अपना कारोबार बना लिया है। नून लीग में मीम शीन के ऊपर भारी है। आज एक तरफ इनके चचा जो है वो कौमी हुकूमत कहते हैं, ये कौमी मुफाहमत कहते हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि जो शीन के ऊपर मुस्लिम लीग नून में मीम जो है वो भारी हुई है। नवाज शरीफ जिनको सजा हुई वो मुल्क से बाहर भागकर बैठे हुए हैं, भगोड़े बन के बैठे हैं। यहाँ की अदालतें उनकी सजाओं की अपीलों को जो है वो बहाल कर चुकी हैं और यहाँ पर जो मरियम सफदर है वो इल्तवा के पीछे छुपती जा रही हैं। तो आपकी शादियां भी बाहर होती हैं, आपका पूरा खानदान भी मुल्क से बाहर होता है, आपका सारा कारोबार भी मुल्क से बाहर होता है, तो फिर पाकिस्तान आप क्या लेने आते हैं? पाकिस्तान में सिर्फ आप इक्तदार जब मिलता है तो इक्तदार में सिर्फ लूटमार करने आते हैं। ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक्तदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर। नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतमाद में लेने का मुतालबा और हुकूमत ने ईवीएम के लिए इसी साल कानून मंजूर कराने का दावा कर दिया। एहसन इकबाल ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन के खदशात हकाइक पर मबनी है, हुकूमत की एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात के इकदामात पर इलेक्शन कमीशन किरदार अदा करे। कैसे पता चलेगा कि किसी ईवीएम का सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हुआ? बाबर अवान ने जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के बाहर वावेला किया, अपोजिशन कमेटियों में बात कर रही है, ये जितनी मर्जी ब्रीफिंग चाहे हम देने को तैयार हैं लेकिन कानून साजी हर सूरत होगी, जरूरत पड़ी तो पार्लियामान का मुश्तरक इजलास भी बुला लेंगे। हुकूमत की यक तरफा इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को बुलडोज करके मुतारिफ कराने के लिए जो इकदामात हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने कोई मशीन नहीं बनाई। धांधली का खौफ टेक्नोलॉजी में नहीं है, टेक्नोलॉजी से इनकार में धांधली का खौफ है। इलेक्शन तभी साफ और शफाफ हो सकता है कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स इलेक्शन के तरीके कार पे मुत्तफिक हो। हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है अपोजिशन के साथ वो कहते हैं हमने मशीन नहीं देखी, हम हर जगह मशीन हर कमेटी को दिखाने के लिए तैयार। पाकिस्तान की ऑपोजिशन के
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से जो तहफ़ुज़ात हैं वो किसी वहम पर या मफरूजे पे मबनी नहीं है। इस बात की कौन जमानत फराहम करेगा कि हर मशीन में मुस्तनद चिप लगा है और किसी का चिप या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया। एक बात मैं अपोजिशन को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी अक्सरियत है, एक वोट की अक्सरियत से कानून पास होता है। इंशाल्लाह अजीज अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। हाँ हमें सेनेट और हाँ हमें जॉइंट सेशन में जाना पड़े, दोनों जगह इंशाल्लाह अजीज कानून साजी का अमल हम पूरा करें। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी शहबाज गिल के शहबाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ामात। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा शहबाज शरीफ बैकडोर ये ना कहें कि अगर हमजा शहबाज के केसेस ख़त्म कर दें तो ईवीएम कबूल होगी। शहबाज शरीफ अंदर खाने कहते हैं हमें सब कुछ कबूल है, आए मिलकर हुकूमत करें। उन्होंने मुतालबा भी किया कि मरियम सफदर की पर्सनल सेक्रेटरी ने शहबाज शरीफ के बयान को ज़ाती राय करार दिया, शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का जो प्रॉब्लम है वो और ही है, वो अंदर खाते पैगाम भेजते हैं कि मुझे ईवीएम भी कबूल है, मुझे हर चीज़ कबूल है, आप बस एनआरओ दें किसी तरीके से। अगर ये ईवीएम बर्दाश्त करना चाहते हैं तो खुल के आवाम के सामने करें, उसमें कोई प्रॉब्लम है वो भी करें, उसको एनआरओ के लिए बारगेन ना करें। हमने फैटफ पे आपकी बारगेन नहीं ली थी। शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि वो ये मैस जल्दी क्लियर कर लें अपना, जो पार्टी का सदर होने के नाते कहते हैं एक बात और पार्टी पीछे से कहती है ये उनकी जाती राय है। इन्हीं के एक साहब ने कहा था कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, आपको आज शाम तक इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपकी पार्टी की एक ऐसी रुकन जिनकी तमाम तर जो इफेक्टिवनेस है या उनकी जो भी उनकी आप कह लें लेगेसी है या उनकी क्वालिफिकेशन है, वो सिर्फ मरियम सफदर की पर्सनल सेक्रेटरी होने की है और वो पार्टी के सदर को ये कहें कि ये उनकी जाती राय है जो स्टेटमेंट है, तो मेरा ख्याल है इसके बाद उन्हें सदारत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नून लीग ने कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में धांधली का खदशा भी जाहिर कर दिया, इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी। साद अफीक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के खिलाफ धांधली के शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को खबरदार कर दिया कि अगर किसी ने गैर कानूनी अहकाम माने तो उसको कटहरे में लाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर इन्होंने इलेक्शन को चोरी करने का और रिग करने का मंसूबा बनाया है और उसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। और ये जो नए पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, इन्होंने कौमी इदारों को कहाँ मिसयूज नहीं किया जाती मुफादात के लिए, और अब इन्होंने एकदम वहाँ पे खजाने के मुँह खोले हैं, 12 के बाद ये फिर भाग जाए। तो जहाँ जहाँ PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ वहाँ पर हकूमती जमात कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को रिग करने के लिए सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सो मच सो वोटों की खरीदो फरोख्त का घनाउंदा धंधा भी ये कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो गौर से सुन लें कि ये जो दादागिरी की कोई कोशिश करेगा उसके ऊपर बिल्कुल निशान भी लगेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी और उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक वक्त आने पर कानून के मुताबिक उसको कटहरे में भी लाया जाएगा। जो सौदा $4 में दस्तियाब था वो $20 में किया गया। उम्मीद है चेयरमैन नैब महंगी LNG खरीदने का नोटिस लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम गिरेबान पर हाथ डालकर पूछेंगे तो सब नजर आएगा, एहतसाब करने वालों को भी एक दिन एहतसाब होगा। आप चीनी गंदम अदवियात ब्रॉडशीट में अरबों खा जाए, नैब कुछ नहीं करेगा। इंतखाबी धांधली करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और मुल्क में जल्द शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत में मरियम नवाज की ताखीर से आमद और ऊंची आवाज में सलाम पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पहले नैब की जमानत खारिज करने की इस्तदा नहीं सुन रहे थे, जिसे यही नहीं पता अदालत में कैसे आते हैं और उसका तकद्दस क्या है तो उसकी जमानत खारिज क्यों ना करें। मरियम नवाज की ताखीर से आमद, ऊंची आवाज में सलाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। एवनफील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। आगाज पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अपील करने वाले मुलजिमान कहाँ हैं। वकला ने बताया कि कैप्टन सफदर नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नवाज 5 मिनट तक पहुँचेंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये गलत बात है, हम लिख दें क्या कि मुलजिमान मौजूद नहीं।
अमजद परवेज साहब को भी इल्तवा की दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए थी। मरियम नवाज ताखीर से अदालत पहुंची, आते ही ऊंची आवाज में लोगों को सलाम किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले नैब की जमानत खारिज करने की इस्तेदा नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब बनती है, जिसे यही नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं और उसका तकद्दस क्या है, तो उसकी जमानत खारिज क्यों न करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। घोटकी में तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की है। आसिफ अली जरदारी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाए, नवाज शरीफ और इमरान खान प्रोग्राम के मुखालिफ थे। उनका कहना था कि आवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब निसार खोड़ो और मुराद अली शाह की जगह खवातीन काम करेंगी। मुल्क के शिमाली और बलाई इलाकों में मौसम खुश्क है, जनूबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात ने पंजाब के पी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के मुख्तलिफ रंग, पहाड़ों पर सूरज अपने रंग दिखाता रहा, मैदानी इलाकों में भी गर्मी के वार जारी। मुल्क के जनूबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहा। तहम, डी जी खान, राजनपुर, भावलपुर, रहीम यार खान और भावल नगर में तेज हवाओं और गरज चमक के बारिश हो सकती है। कुर्रम और वजीरिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम जुजवी अबर आलूद रहा और कुछ शहरों में बारिश हुई। तहम, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत, छोड़, लसबेला, नौकंडी और कराची में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मेगा सिटी के बाद सिंध भी अंधेरे की नजर, जाम शुरू, हाई टेंशन लाइन में फनी खराबी, कराची समेत सिंध भर के मुतादित शहर का हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। कराची के 80% इलाकों की बत्ती गुल हो गई, जबकि हेस्को के 71 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से 12 अजला को बिजली की फराहमी बंद हुई, तो आवाम ने भी खूब दुहाइयाँ दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक राना इमरान की बोल से गुफ्तगू, कहते हैं 68 ग्रिड स्टेशन की बिजली बहाल कर दी गई है। बिजली का निज़ाम एक बार फिर दरहम बरहम, कराची के साथ साथ सिंध भी अंधेरे में डूब गया। जाम शोरों, हाई टेंशन लाइन में फनी खराबी, मुतादिद शहरों में बत्ती गुल हो गई। कराची का 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया। मलीर, जौहर शाह फैसल, एफबी एरिया, नॉर्थ कराची, यासीनाबाद और दीगर इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। हेस्को रीजन में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन होने से 71 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। जाम शोड़ो, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, बद्दीन, टंडो वाला यार समेत 12 अजला की बिजली बंद हो गई। तकरीबन आधे कराची में लाइट चली जाती है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी नायली गवर्नमेंट की है। औरंगी टाउन में बिजली की किल्लत को सही करने कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। सब परेशान है कि आ रही है लाइट, पावर एकदम कम हो जाता है, चीज़ें उड़ने लग जाती हैं और जो बहुत लाइट ने तंग किया हुआ है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक राना इमरान की बोल से गुफ्तगू, बोले बिजली की बहाली का काम शुरू हो गया है। कराची में दिन भर शदीद गर्मी और हब्स के बाद कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन हदीद, मलीर, गुलिस्तान चौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश हुई। बल्दिया उज़्मा कराची के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नजर सिविल एविएशन का भी हाई अलर्ट जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।